नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन। हमने सुना है कि जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं या हम एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू सेक्शन होता है, तो इंटरव्यू भी ऐसा नहीं होता है, कई कई जगह पे ग्रुप डिस्कशन वो रखते हैं, क्योंकि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं हमारी संस्था में एम्प्लॉयज़ को तो क्या होता है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया होता है कई बार उससे ज़्यादा भी क्राउड आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, उनमें से भी जो सिलेक्ट हमें निकालना है बंदे जो एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो हम कई बार संस्था में ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन हम क्यों रखते हैं, एक टॉपिक हम उनको देते हैं जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिसमें से हमें सबके अलग अलग व्यूज़, अलग अलग जो भी आइडियाज़ होते हैं उनके वो जानना होते हैं, तो वो जानने के लिए हम ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। अब जब ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसमें कोई उद्देश्य निकल के आता है, उसका कोई एक फाइनल रिज़ल्ट निकल के आता है, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव, तो वो जो भी रिज़ल्ट होता है फाइनल, हम उसके लिए ग्रुप डिस्कशन रखते हैं। ये भी एक तरीके से इनफॉर्मल टॉक ही रहता है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है। जितने भी मेंबर ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, चार हों, छः हों, आठ हों, तो सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है इसमें। तो जो एक टॉपिक होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो सामूहिक तौर पे होता है। ग्रुप यानी कि समूह होता है दो या दो से अधिक लोगों का, और डिस्कशन यानी कि हम उन जो एक टॉपिक होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपस में डिस्कस करते हैं किसी भी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो ग्रुप डिस्कशन होता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला इसमें आता है पर्पस। उस चीज़ के लिए कोई पर्पस होना चाहिए कि हम जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों प्राप्त करना है, इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्पस होना ज़रूरी है। फिर हम उसके लिए एक प्लानिंग करते हैं कि ये वाला जो भी टॉपिक है या इतने मेंबर हैं तो कितने मिनट का ग्रुप डिस्कशन होगा, और वो इस टॉपिक पे बोलेंगे तो वो क्या क्या बोल सकते हैं, या हो भी सकता है कौन लोग इसके अगेंस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि सभी के व्यूज़ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, कोई किसी बात से सहमत होता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जैसे कि कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, सबका परसेप्शन किसी भी टॉपिक को लेकर अलग होता है, तो वही हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अगर आठ मेंबर हैं उस ग्रुप में जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं, हमें भी उसमें हमारी बात रखने का मौका दिया जा रहा है तो हमें भी हमारी बात रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हमारी बात से किसी पर दबाव बना रहे हैं या हम हमारी बात थोपना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबका अलग व्यू होता है, सब अपने अपने पॉइंट्स उसमें रखते हैं। उसके बाद उसमें होता है फ्री कम्युनिकेशन, उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि जो आठ मेंबर हैं आठ में से चार ही बोलेंगे या एक बंदे को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में अगर आठ मेंबर हैं तो आठ को ही बिल्कुल फ्री किया जाता है अपनी बात रखने के लिए, वो अपने अपने तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इसमें लीडरशिप। लीडर, सबसे पहली चीज़ तो हम ये क्लियर कर लें कि लीडर क्या होता है। लीडर कौन होता है, जो अपने ग्रुप मेंबर्स को, जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनको साथ में लेके चलता है, वो खुद भी वो काम करता है और अपने अंडर में जो भी लोग हैं उनको भी क्या करता है, इनिशिएट करता है कि वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करके आगे से आगे काम करें। तो ये वाले फीचर्स होते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के, जो हमें ग्रुप डिस्कशन के समय पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है डूज एंड डोंट्स। डूज यानी कि हमें जीडी के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, और डोंट्स यानी कि जो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो डूज क्या होते हैं, डिफाइन द टॉपिक। जिस भी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक वेल क्लियर होना चाहिए दोनों जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उनके सामने के लिए, कि हम किस टॉपिक पे अभी डिस्कस करने वाले हो। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एनालाइज द स्कोप एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र क्या हैं और हम कहाँ कहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ से हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कितनी सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फिर नेक्स्ट होता है इनिशिएट एंड जनरेट डिस्कशन, यानी कि हमें हमारे व्यूज़ जो होते हैं वो खुद ही आगे बढ़कर बोलना होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और हमें क्या होता है हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाना होता है, खुद ही जनरेट करना होता है उसमें कुछ पॉइंट्स, जितनी भी नॉलेज हमारे पास उस टॉपिक से रिलेटेड होती है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस चीज़ को सामने वाले के सामने रख सकें। उसके बाद होता है लिसन टू द व्यूज़ ऑफ अदर, हमें दूसरों के व्यूज़ भी सुनना चाहिए, क्योंकि उस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुन रहा है, तो जब सामने वाला बोलेगा तो हमें भी इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर रखनी चाहिए कि हम उसको शांतिपूर्ण सुन सकें। हो सकता है हम उसके अपोज जाएं या हम उसकी बात से सहमत नहीं हों, लेकिन पहले हमें उसे विचार उसके पूरे व्यक्त करने का टाइम देना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट,
फालतू झगड़ा नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट नहीं होना है। अगर हमें उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा भी नॉलेज है तो भी हमें क्या करना है, संक्षिप्त में टू द पॉइंट उस बात को बता के ख़त्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले को उसमें नॉलेज नहीं है तो हम हमारी बात उस पर थोपने ही लग गए हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर इसमें डोंट्स होते हैं, यानी कि क्या काम है जो हमें नहीं करना चाहिए या किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के टाइम। तो डोंट बी असर्टिव इन प्रेजेंटिंग योर व्यूज़, यानी कि जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं उनको बताने में हमें एक तो हिचकिचाना भी नहीं है और डोमिनेट भी नहीं करना, यानी कि थोपना नहीं है कि हमारी ही बात मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। इस तरीके से ये चीज़ें ग्रुप डिस्कशन में हमें अवॉइड करना चाहिए। और डोंट मेक एनी पर्सनल रिमार्क। अगर हमारे अपोज में कोई ऐसे मेंबर हैं जिनसे जो जिनको हम पसंद नहीं करते हैं या जो भी बात है, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उनके पर्सनल कुछ पता है तो हमें उनको उसके ऊपर भी नहीं बोलना चाहिए। और जो भी ये डिस्कशन है, ये जिस भी टॉपिक पे, हमें उसी टॉपिक पे ही बात करना है। हमें कोई पर्सनल अपने दिमाग में उनके लिए नेगेटिविटी नहीं रखना होती है या हमें कोई ऐसा उनको पॉइंट नहीं बोलना होता है जिससे वो हर्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट होता है इसमें डोंट जंप टू द कंक्लूजन। ऐसा भी नहीं कि हम डायरेक्ट सीधे कंक्लूजन पे चले जाएंगे कि इसका तो ये रिजल्ट आएगा, नहीं। हमें थोड़ा सा उसमें डिस्कस करना होता है, जो भी उसमें पॉइंट्स होते हैं नॉलेज के, हमें वो हमारी बातें जो पता हैं वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, हमारे व्यूज़ ओपिनियंस जो भी होते हैं वो रखना चाहिए। फिर एट द एंड हम क्या करते हैं कि हमें बिल्कुल कंटिन्यूसली नहीं बोलना होता है, हम बोल रहे हैं फिर हमें नेक्स्ट बंदे को भी उस चीज़ में मौका देना चाहिए बोलने का, ताकि वो भी अपने विचार उसमें क्या रख सके।